विगत एक माह से वितक का श्रवण कर रहे हैं। देश विदेश में वितक की कथा कही जा रही है। जब हम सुनते हैं तो मेरे मन में एक विचार आता है कि क्या आज भी ऐसा समय आ सकता है, उस समय जैसा कि 5000 सुंदर साथ एक साथ बैठे हों, चर्चा सुन रहे हों, या 5000 सुंदर साथ एक साथ चितवनी कर रहे हों, घर द्वार सब छोड़कर, और किसी को भी राज्य के अतिरिक्त कोई चाहत नहीं रहती। महाराजा छत्रसाल जी को सिंहासन पर बैठना अच्छा नहीं लगता, जब देखो तब भाग करके आ जाते हैं, सेवा करते हैं, चवन डुलाते हैं, छोटी से छोटी सेवा करते हैं। वे भूल गए कि मैं महाराजा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ये ठीक है। अब कोई दूसरा प्रणत नहीं कहला सकता, कोई दूसरा छत्रसाल नहीं कहला सकता, लेकिन वैसी स्थिति लाई जा सकती है, लेकिन लाने के लिए त्याग करना होगा। जैसे एक बात आती है, हम राम राज की बात करते हैं, राम राज क्या दोबारा आ सकता है? आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं आ सकता? वही सूरज है, वही धरती, वही आकाश, वही वायु, जल सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा आचरण नहीं है, तो राम राज कैसे आएगा? राम राज की भूमिका कहाँ से तैयार होती है? जब भगवान राम 14 वर्ष पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। पिता की इच्छा है तो वन में जाना है, कितना कष्ट है नहीं सोचना है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। माँ चाहती है कैकेयी कि मेरा बेटा राज सिंहासन पर बैठे, भरत को स्वीकार नहीं, वो राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखते हैं और स्वयं नंदीग्राम में कुटिया बना करके तप कर रहे हैं। तो राम राज की नींव में कौन है? राम का त्याग, भरत का त्याग, लक्ष्मण का त्याग, सीता का त्याग, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग। लक्ष्मण वन चले गए हैं तो उर्मिला ने 14 वर्षों तक किसी पुरुष को नहीं देखा, जमीन पर सोती रही, सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रही है। जिस राम राज्य की कल्पना या उसकी हम जो आप वितक में सुनते हैं कि बंगला जी दरबार लगा हो, शिव जी के मुखारविंद से अमृत वर्षा हो रही हो, वैसा युग यदि लाना चाहते हैं तो हमको स्वयं की कसौटी पर खरा सिद्ध करना होगा, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। आप शास्त्रों में एक बात सुनेंगे, यत मनसा ध्यायत तत वाचा वदत, यत वाचा वदत तत कर्मणा करोत, यत कर्मणा करोत तत अभिसंपद्यते। मनुष्य मन से जिसका ध्यान करता है, वाणी से जिसको बोलता है, वैसा ही आचरण करता है, और जैसा आचरण करता है वैसा ही उसको प्राप्त होता है। आज स्थिति तो उल्टी है। वितक में आपने सुना होगा प्रातःकाल 9 से 12 चर्चा होती है। प्रातःकाल सवेरे सवेरे 6 से 9 के पहले प्रहर में चितवनी अनिवार्य रूप से होती है। संध्या समय 4:30 बजे सबको चितवनी अनिवार्य रूप से करना होता है और 9 से 12 बजे तक सब सुंदर साथ 3 घंटे की चर्चा सुनते हैं। कभी 1 भी बज जाता है, कभी 2 बज जाता है। 6 घंटे 7 घंटे तो वाणी की चर्चा, धर्म ग्रंथों की चर्चा सुननी ही है। यदि देश के सभी मंदिरों में 1 से 2 घंटे भी चर्चा हो तो भी समाज का नक्शा बदले कुछ, लेकिन मंदिरों में तो चर्चा होती ही नहीं, केवल घंटी घड़ियाल बजते हैं, नाच कूद होता है, खाना पीना होता है, वर्ष भंडारे मनाए जाते हैं। भंडारा करते ही होता क्या होता है? जिसमें खाना पीना चले। वार्षिकोत्सव और भंडारे में अंतर होता है, लेकिन आजकल भंडारे मनाए जाते हैं। ज्ञान का कोई सत्र नहीं चलता, चितवनी का कोई सत्र नहीं चलता, उस समय दोनों समय चितवनी करना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण। उस समय जो छत्रसाल थे, आज कोई छत्रसाल नहीं है। छत्रसाल की बहुत बड़ी भूमिका है। छत्रसाल क्या है? महाराजा हैं, लेकिन जानते हैं छत्रसाल जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विनम्रता। आज कोई भी छत्रसाल बनने के योग्य नहीं है। उस समय महाराजा छत्रसाल जी 5000 सुंदर साथ का खर्च वहन करते हैं, लेकिन कभी यह भाव नहीं है कि मैं महाराजा हूं। सबके बीच में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मैं सब सुंदर साथ की चरण धूली हूँ। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो एक को रसोई दे देगा, कोई 1-2 लाख सेवा दे देगा तो क्या सोचेगा? हमारी कृपा पर ही सब चल रहा है। वो छत्रसाल हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। दीवान देवकरण है, प्रधानमंत्री कौन है? देवकरण।
छत्रसाल जी के भतीजे, वो खुद झाड़ू लगाते हैं बंगला जी दरबार में, भूल गए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो जहाँ प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा हो, स्वयं महाराजा छत्रसाल छोटी से छोटी सेवा कर रहे हो, सबके आगे हाथ जोड़ रहे हो, तो किसका अहंकार रहेगा? उस भूमिका में कौन है? लालदास जी हैं, भीम भाई हैं, शेख बदल हैं। लालदास जी जिनका 99 जहाज़ों से व्यापार चलता है, सबने अपना अस्तित्व मिटा रखा है, और जो 5000 सुंदर साथ पहुँचे हैं, वे संसार के मैं खुदी को छोड़ करके पहुँचे हैं। किसी को अहंकार नहीं है कि मैं इतने बड़े ऊंचे घराने का हूँ, मैं इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, इतना मेरा पद है। सबने पद को, प्रतिष्ठा को आग में डाल दिया है। वे 5000 सुंदर साथ, जिसमें भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य हैं, चिंतामणि जी तो वहाँ नहीं आ पाए, लेकिन सब एक दूसरे को अपने से ज़्यादा चाहते हैं। प्रेम कब होता है? जब हम अपनी चाहत ना रखें, दूसरे की चाहत करें। जब आहुति दी जाती है तो मंत्र के अंत में क्या बोला जाता है? स्वाहा, अग्नि स्वाहा। स्वाहा का अर्थ क्या है? हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उससे चाहते हैं। यदि आप 10 साल के बच्चे का प्रेम चाहते हैं तो आपको बच्चे की तरह बनना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था और वो यूट्यूब में बहुत आकर्षक था। मोदी जी एक अस्पताल में गए मुआयना करने, एक महिला थी हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी हुई थी, उनके साथ उनका 5 साल का बच्चा था। मोदी जी ने उस महिला से उसका कुशल क्षेम पूछा, बच्चे का हाथ पकड़ा, बच्चा प्रधानमंत्री के पास बिल्कुल सट गया कि ये सचमुच मेरे दादाजी हैं, उनकी दाढ़ी को ऐसे सलाने लगा। एक प्रधानमंत्री की दाढ़ी को कौन सला रहा है? 5 साल का बच्चा, गरीब का बच्चा है, कपड़े भी अच्छे नहीं है, कोई रूप रंग भी अच्छा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री भूल गए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। क्योंकि बच्चे को प्रेम चाहिए, वहाँ प्रेम की बयार कब बह रही है? जब प्रधानमंत्री भी भुला दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं एक केवल माना हूँ इस बच्चे का दादा की तरह हूँ, तो बच्चा भी प्रेम कर रहा है। वो जो 5000 की सुंदर साथ थे, उनमें ऐसी ही स्थिति थी, इसलिए वैसी भूमिका बनी कि सबको परम धाम के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैं घटना बताऊं, जब उनको सिंहासन पर विराजमान किया गया तो उन्होंने भारी सभा के बीच में कहा कि देखिए, समस्त प्रजाजनों से निवेदन है कि यदि किसी निर्णय को लेने में मेरे से भी कोई भूल हो जाए तो आपको अधिकार है, मुझे बता सकते। कौन कह रहा है? जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, सारी सृष्टि जिसकी पूजा करती है, वह कह रहा है और यही मानता है। रामराज की भूमिका इसी में तैयार होती है। आपको मैं एक घटनाक्रम सुनाता हूँ। एक बार इंग्लैंड के लोगों से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, शेक्सपियर या इंग्लैंड? इंग्लैंड वालों ने कहा कि हमें तो शेक्सपियर चाहिए, इंग्लैंड नहीं चाहिए। शेक्सपियर होगा तो दूसरा इंग्लैंड बच सकता है, लेकिन इंग्लैंड दोबारा शेक्सपियर को पैदा नहीं कर सकता है। जहाँ की जनता में ये भावना रहेगी कि शेक्सपियर ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, हमें शेक्सपियर चाहिए, इंग्लैंड नहीं चाहिए, तो वहाँ दूसरा शेक्सपियर भी पैदा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, भारत की गरिमा किससे है? गौतम कपिल कर्णाद से है, कालिदास से है। कालिदास के सामने शेक्सपियर कुछ भी नहीं। ब्राह्मी समाज का पतन क्यों हो रहा है या हिंदू समाज का पतन क्यों हो रहा है, इसकी तमें कोई नहीं जानता। देखिए, राजा की भूमिका क्या होती है? राजा राष्ट्र की संपत्ति का मालिक होता है, रक्षक होता है। वैसे तो मैं प्रजा स्वामिनी होती है, राजा का कार्य होता है रक्षण करना। राजा के पास एक सेना होती है, सोने का मुकुट होता है, आजकल जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को समझ लीजिए। मान लीजिए एक भारत का कोई वैज्ञानिक रिसर्च करता है, शोभा किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा किससे है? यदि उस साइंटिस्ट का सम्मान करते हैं, कलाकार का सम्मान करते हैं, तो प्रधानमंत्री की भी कुर्सी सुरक्षित रहेगी, देश की भी गरिमा बढ़ेगी। लेकिन यदि प्रधानमंत्री ने उस साइंटिस्ट को एक नौकर की दृष्टि से देख लिया तो क्या होगा? उनका अहंग तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में कोई दूसरा साइंटिस्ट पैदा नहीं होगा। अमेरिका की वृद्धि क्यों हो रही है? अमेरिका विश्व के चुने चुने बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करता है। नासा में
जो साइंटिस्ट हैं 60% केवल हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और उनकी बुद्धि का उपयोग करके अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता है। यदि अमेरिका बुद्धिजीवों का सम्मान करना बंद कर दे तो अमेरिका भी कंगाल हो जाएगा। एक घटना है मिस्र देश की। एक ही जमाने में 3 संगीतकार थे भारत में। लता मंगेशकर थी, महिला कलाकार, शास्त्रीय संगीत में बहुत ऊंचाई पर पहुंची हुई। पाकिस्तान में नूरजहां थे, नूरजहां या जहांगीर ऐसे ही नाम था। और मिस्र की वो महिला कलाकार थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। संसद की कार्यवाही चल रही थी, अचानक राष्ट्रपति ने देखा कि यहाँ तो वो उस कलाकार का नाम जो था मुझे याद नहीं आ रहा है वो बैठी हुई है। राष्ट्रपति खड़े हो गए। राष्ट्रपति को देखकर पूरी संसद खड़ी हो गई। उस कलाकार ने पूछा कि मैं तो एक सम्मान गायिका हूँ, आप लोग क्यों खड़े हो गए? राष्ट्रपति का कहना है कि महोदया, हम आपकी कला के सम्मान में खड़े हो गए कि आप संसद की कार्यवाही देख रहे हैं। जिस देश की संसद और राष्ट्रपति भी खड़ा हो जाता है उस कलाकार के सम्मान में, समझिए उस देश में हमेशा कलाकार पैदा होते रहेंगे। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, कालीदास थे। कालीदास का सम्मान कौन करता है? स्वयं विक्रमादित्य करते हैं। राजा भोज के दरबार में भी कालीदास है। राजा भोज कवियों का सम्मान करते हैं, विद्वानों का सम्मान करते हैं। अभी मैं छत्रसाल जी की बात कर रहा था। भूषण कवि आते हैं छत्रसाल जी से मिलने के लिए, शिवाजी के दरबार में रह चुके हैं। शिवाजी ने कुछ छंदों पर न जाने कितने गांव लुटा दिए थे भूषण कवि को। छत्रसाल जी को पता चलता है कि भूषण कवि आ रहे हैं जो शिवाजी के दरबार में थे, स्वयं कहार बन जाते हैं, उनकी पालकी में कंधा लगा देते हैं। जब पर्दा हटा करके भूषण कवि देखते हैं कि महाराजा छत्रसाल पालकी में कंधा लगा दिए हैं, तो उनके मुख से निकलता है कि शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को। मैं छत्रपति शिवाजी की महिमा गाऊं कि छत्रसाल की महिमा गाऊं? छत्रसाल ने तो शिवा को भी पीछे हटा दिया। यही है महानता। और यही महानता जब तक राजा के अंदर नहीं आएगी तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। किसी देश का राजा यदि अपने देश के विद्वानों का, महात्माओं का, उच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व का सम्मान करना नहीं सीखेगा तो क्या उसका राज्य नष्ट होना निश्चित है। हमारा प्रणामी समाज पतन की राह पर क्यों है? एक बार इंदिरा गांधी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी। उस कार्यक्रम में उदयानंद जी का शताब्दी वर्ष था 1884। उस कार्यक्रम में 2 सन्यासी इंदिरा गांधी के आने पर खड़े हो गए थे, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, तो पूरे विद्वत समाज ने उनको लताड़ा कि आपने सन्यास की गरिमा उतार दी। एक बार फखरुद्दीन अली अहमद, ये अपने जो सुक्रताल आश्रम है वहाँ आर्य समाज का गोकुल था, वहाँ उनका आगमन हुआ। तो आप जानते हैं, शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा, राष्ट्रपति के लिए नीचा आसन बनाया गया था और आर्य समाज के 2 सन्यासी थे उनके लिए ऊंचा स्थान बनाया गया था। क्योंकि आर्य समाज ने देश के राष्ट्रपति से ज़्यादा महत्व किसको दिया? अपने विद्वान सन्यासियों को दिया। इसलिए आर्य समाज में विद्वानों की फौज है, उनके पास कम से कम 5,000 आचार्य हैं। प्रणामी समाज में एक भी महान आचार्य क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रणामी समाज में विद्वानों का अर्थ होता है एक नौकर। जो भूमिका एक सामाजिक क्षेत्र में राजा की होती है वही भूमिका आध्यात्मिक क्षेत्र में ट्रस्ट की होती है, क्योंकि ट्रस्ट किसी भी धार्मिक संस्था का स्वामित्व उसके पास होता है। हमारे समाज में क्या है, सारी बागडोर किसके पास होती है? एक मठाधीश के पास होती है या ट्रस्ट के पास होती है। मठाधीश की मानसिकता क्या होती है या गद्यपति की? जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे बराबर कोई विद्वान ना पैदा हो। परिणाम क्या होगा? उसका सारा प्रयास मंदिरों के निर्माण में रहेगा, विद्वानों के निर्माण में नहीं रहेगा। ट्रस्ट में जानते हैं धन आता है, पद आता है तो मनुष्य को अहंकार होता है। कोई छत्रसाल जैसा व्यक्तित्व नहीं जो अपने अस्तित्व को मिटा दे कि नहीं। छत्रसाल जी के समय में क्या था? छत्रसाल जी सब सुंदर साथ के दिल में राजी को देखते हैं, सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के रूप में देखते हैं
और महामती जी जिनके हृदय में राज्य विराजमान होकर लीला कर रहे हैं वो क्या कह समझ रहे हैं कि सब राज्य के मूल स्वरूप की कृपा है। ये वातावरण बना जिससे उस समय सुंदर साथ ने यहीं बैठे बैठे परमधाम को देखा। अब यदि भारतवर्ष के चाहे पड़ामी समाज हो चाहे दूसरे समाजों के यदि ट्रस्ट के अंदर ये छत्रसाल जी जैसे गुण हो जाए कि सबको धनी का अंग समझकर सबके हृदय में परमधाम की आत्मा समझकर अपने अस्तित्व को मिटाकर कि मैं कितना धनवान हूँ कितना पद वाला हूँ कितने बड़े कुल खानदान का हूँ तब सेवा हो सकती है। देखिए धनानंद के पास सोने का भंडार था लेकिन उसने चाणक्य का अपमान किया परिणाम क्या हो गया समाप्त हो गया। देश में बहुत से धनवान लोग हमेशा रहे हैं लेकिन धनवान के पास नीतियां बनाने की क्षमता नहीं होती। धनवान धन की सेवा दे सकता है लेकिन धन की सेवा का महत्व तब तक है जब धन को अपना न समझा जाए परमात्मा का दिया हुआ समझा जाए और उसको सेवा का अर्थ क्या होता है जो सब कुछ लुटा दिया जाए। मुख थे सेवा तूने सो कहूँ जो तू अंतर आड़ो डाल। अंतर आड़ो डाल का तात्पर्य क्या है पर्दा हटा देना अहंकार का पर्दा हटा देना। मुख थे सेवा तूने सो कहूँ जो तू अंतर आड़ो डाल अनेक विध सेवा तड़ी तूने उपस्थित तत्काल। तो हमारे अंदर सेवा की भावना आती है सेवा में अपने अस्तित्व को मिटाना होता है। वैसे तो कोई भी 2 लाख की सेवा कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो सेवादार होगा। धन है धन दे दिया धन दे देने को सेवा नहीं कहते हैं। किसी के पास शारीरिक शक्ति है वो कोई भोजन करा दिया तो बाह्य सेवा है। सेवा का अर्थ क्या है आपने सब कुछ दे दिया फिर भी आपको अहंग हो। छत्रसाल जी को देखिए छत्रसाल जी की फिदा है प्राणनाथ जी के स्वरूप पर क्या कहते हैं छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर अंते जान न देऊं राखो मेरे सिख रमाए आपित सब रात सुख देऊं। छत्रसाल जी को एक पल भी श्री जी से अलग होना स्वीकार नहीं है। यही टीका यही पावड़ो यही नछावराय प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलिदार। अपना सब कुछ राज की चाबी भी चरणों में रख दी अपनी पाग रख दी। श्री जी ने कहा कि छत्रसाल जो तुमने त्याग किया है आज तक ब्रह्मांड में तेरे बराबर आज तक न कोई हुआ है और न कभी होगा। क्यों क्योंकि छत्रसाल जी ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। छत्रसाल जी के बाद कोई दूसरा छत्रसाल इसलिए नहीं पैदा हुआ क्योंकि छत्रसाल जैसा किसी ने अपने अहम को नहीं मारा श्री जी के प्रति समर्पण नहीं किया और उस प्रेम भावना से धनी को रिझाया नहीं। इसलिए जब तक कोई दूसरा छत्रसाल नहीं होगा सुंदर साथ के अंदर ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी तब तक ये आशा नहीं की जा सकती है कि वैसे भूमिका बने। जैसे मैंने राम राज्य के बारे में बताया था राम राज्य की भूमिका ही तप और त्याग पर है। भरत सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं राम बैठने को तैयार नहीं 14 वर्षों तक खड़ाऊँ ही सिंहासन पर विराजमान है। आज यदि भाई भाई को लूटना चाहता है तो वहाँ क्या होगा। जहाँ हर कोई ज्ञान को फैलाना चाहता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं जो बड़े से बड़े पद रहने पर भी अपने अस्तित्व को मिटा दे। मैं इस घड़ी में मैं एक याद घटना आती है जिसमें आर्या साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रतनपुरी में मैं था ईंट ढोई जा रहे थे आर्या साहब आ गए और खुद ईंट ढोने लगे। वो भूल गए कि मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ। इसकी कहते हैं सेवा। तो जो भी व्यक्ति होगा राज्य की सेवा में अपने पद को अपने धन को अपने कुल खानदान के अभिमान को छोड़ देगा तो निश्चित है कि वो आगे बढ़ेगा उस पर राज्य की मेहर बरसेगी। यदि हमारे समाज के 400 मंदिर हैं 400 मंदिर में हो सकता है 200-300 ट्रस्ट होंगे यदि वहाँ जो भी महाराज हो विद्वान हो गद्यपति हो वो और ट्रस्ट के सभी सदस्य समझें कि हम केवल सेवा करने वाले हैं हमारा न कोई पद है न धन का अहंकार है। आप अपना सारा धन दे दीजिए फिर भी स्वयं को मिटा दीजिए तब तो धन की सेवा राज्य स्वीकार करते हैं। जो सुंदर साथ ने वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी ग्रंथन सुना है उसकी अंतिम पंक्ति क्या है कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी का हम स्वीकार। ललिता किस परिवार से है राजा राम झांझन भाई और मकरंद के परिवार से। राजा राम झांझन भाई कितने वर्षों तक 1732 से लेकर 1742-41 तक 10 वर्षों तक 5,500 सुंदर साथ का सारा खर्च उठाते रहे
किसी के मन में अभिमान नहीं कि हम दे रहे हैं। देने वाला कौन है? राज्य। आपने कुछ धन भी दे दिया तो आप सोचिए आपको सेवा करने का सौभाग्य मिला, ये आपका सौभाग्य है। यदि आप सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं तो ये सबसे बड़ी आपकी हानि है। समस्त सृष्टि को चलाने वाला कौन है? राज्य। राज्य ने आप पर कृपा करके आपको धन दिया, आपको युग को बनाया कि आप सेवा कर सके, तो आप राज्य को धन्यवाद दीजिए कि राज्य आपने अपने चरणों में लिया, मेरी सेवा को स्वीकार किया। और ये प्रवृत्ति जिस दिन पैदा हो जाएगी, जिस दिन ट्रस्ट के सभी सदस्यों में छत्रसाल जी जैसी विनम्रता आ जाएगी, छत्रसाल जी जैसा अहम का त्याग हो जाएगा, आज भी वैसी भूमिका पैदा हो सकती है कि हजारों विद्वान पैदा हो जाएंगे, लेकिन जब तक विनम्रता नहीं आएगी, अहम के त्याग की भावना नहीं आएगी, धन के दान देने का अहंकार नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होना है। धन से संसाधन खरीदे जा सकते हैं, कोई विद्वान पैदा नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की जनता ने कहा कि हम दूसरा शेक्सपियर नहीं पैदा कर सकते हैं। धनवान लोग क्या करेंगे? सोने की ईंटों से बहुत बड़ा आश्रम बना देंगे, लेकिन क्या होगा? ज्ञान कहाँ फूटेगा? ज्ञान तो आएगा, ज्ञान के प्रचार से आएगा, विद्वानों से आएगा, महात्माओं से, सन्यासियों से, साधना करने वालों से आएगा। संसार में सबकी उपयोगिता है। यह देश चल रहा है साइंटिस्टों से लेकर छोटे से छोटे, इस देश में भंगी भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, सबकी उपयोगिता है। हमारे शरीर में मलमूत्र है, इसकी भी उपयोगिता है। किसी के शरीर से सारा मलमूत्र निकाल दिया जाए तो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो जिस मलमूत्र को देकर मन घृणित हो जाता है, उसकी भी रहना शरीर में जरूरी होता है। तो यह याद रखिए, जिसका हृदय इतना विशाल हो जो सबको अपने अंदर समाहित कर सकता है, सबको प्रेम दे सकता है, राज्य की सेवा में अपने अस्तित्व को लुटा सकता है, तो ऐसी भूमिका का निर्माण यदि होता है तो आज भी वो दिन आ सकते हैं, क्योंकि राज्य तो आज भी हैं, राज्य कहीं गए नहीं गए। महामती जी के धाम हृदय में बैठ करके लीला कर रहे हैं, लेकिन हर परमात्मा के दिल में राज्य है। छठे दिन की लीला में सुंदर साथ को ये शोभा दी गई है कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैलाए, और महामती जी ने सरस्वती में ये बात कही है कि वशीकरण मंत्र मेरे पास है, मैं सबको सिखा देती हूँ। मैंने कई बार इस बात को चर्चा में उद्धृत किया है, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि जैसे मैंने राज्य को वश में किया है वैसे कोई नहीं कर सकेगा, और बात सच है। महामती जी की तरह कोई समर्पित नहीं हो सकता, तो उनके धाम हृदय में राज्य बैठकर प्राणनाथ की शोभा नहीं दे सकते, तो लीला कैसे हो? इसलिए जहां ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति, राजा की शक्ति और विद्वान की शक्ति मिलकर कार्य करती है, जिस समाज में ट्रस्ट की शक्ति और विद्वानों की शक्ति संगठित होकर मिलकर कार्य कर सकती है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, चाहे कोई सुंदर साथ ट्रस्टी हो, चाहे सुंदर साथ विद्वान हो, सबके धीर में राज्य रहते हैं। जब सबके अंदर भावना आ जाएगी, सबका सम्मान करने की भावना आ जाएगी, सबके प्रेम की दृष्टि से देखने की भावना आ जाएगी, तो परिणाम क्या होगा? आत्म सौनी एक दिशे जुजवी थे दिशे थे। सुंदर साथ में लड़ाइयाँ क्या होती है? मैं खुद के लिए लड़ाइयाँ होती है। और जिस दिन सबको एक दूसरे के अंदर आत्म तत्व की पहचान हो जाएगी, सारी लड़ाइयाँ बंद। परिणाम क्या होगा? जब मनोमानिल्य मिट जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, तो परम धाम की यहीं बैठे बैठे अनुभूति होने लगेगी। इसी तन से यहीं बैठे बैठे हम परम धाम को साक्षात देख सकते हैं। आप अष्टपर्व के वितक में आपने सुना होगा, मुरलीधर सुंदर साथ चर्चा सुनने में किस तरह से श्री जी के नेत्र से नेत्र मिलाकर चर्चा सुनते हैं। शेख बदल सेवा में रहते हैं, भीम भाई सेवा में रहते हैं, जितने सुंदर साथ हैं मुकुंद दास जी सेवा में रहते हैं, हर पल अष्टपहर 64 घड़ी हर सुंदर साथ श्री जी को रिझाना चाहता है, क्योंकि किस भाव से सेवा कर रहे हैं? मोमिन सेवे कर्मरत। सब सुंदर साथ ने पहचान लिया कि यही अक्षरातीत है, यही है धनधाम, ये अक्षरातीत हमारी आत्मा को जगाने के लिए परम धाम से आए हैं। और जब ये भावना होगी तो परिणाम क्या होगा? जैसे जब राम 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या में आते हैं तो अयोध्या की जनता तड़प रही है कि कब भगवान के दर्शन होंगे। राम को भगवान किसने बनाया? यदि राम कह देते कि नहीं मैं तो वन में नहीं जाऊंगा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते, तो आज संसार उनको भगवान कभी नहीं कहता। लेकिन राम ने महलों को छोड़ा, महलों के सुखों को छोड़ा, तभी वो भगवान कहलाए।
यदि हम चाहते हैं कि यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव होने लगे तो हमें संसार की पद प्रतिष्ठा धन के अहंकार सबको छोड़ना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, आकाश में चमकती हुई बिजली जैसे पल भर के लिए होती है, शरीर की यौवन अवस्था भी कुछ वर्षों के लिए होती है, उसके बाद ही शरीर बुढ़ापे का शिकार होता है। पद क्या है? राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, 5 वर्षों के लिए होता है। इस सृष्टि को बनाने वाला नारायण भी तो कुछ समय के लिए रहता है। सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। आप यौवन को, पद को, प्रतिष्ठा को आप सब कुछ मान लेते हैं, धन को सब कुछ मान लेते हैं, तो ये तो नश्वर वस्तुएं हैं। आपको इन सबको भुलाना पड़ेगा यदि अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है। तो क्या होगा? चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु हैं, और जानते हैं चंद्रगुप्त को सिंहासन पर किसने बैठाया? चाणक्य ने बैठाया। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठते हैं लेकिन फिर कोई कार्य करना हो तो चाणक्य के चरणों में सिर झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जब चाणक्य अपनी कुटिया में होते हैं तो चंद्रगुप्त सेवक बनकर तलवार लेकर कुटिया के बाहर खड़े रहकर के पहरा देते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि मैं भारत का सम्राट हूँ। चंद्रगुप्त को क्या याद रहता है कि मेरे गुरुदेव आचार्य चाणक्य हैं। इसी विनम्रता ने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया, छोटी अवस्था में भारत का सम्राट बन गया। और चाणक्य क्या है? चाणक्य के पास क्या था? कुछ नहीं था। चाणक्य भारत के सम्राट के गुरु हैं लेकिन जानते हैं उनके पास क्या है? जो बच्चों को पढ़ाते हैं उससे जो दक्षिणा मिलती है उसी से वो भोजन करते हैं, जौ की रोटी और गाय का दूध, यही उनका आहार है। एक बार सिल्यूकस ने प्रयास किया यह जानने के लिए कि क्या कारण है कि मेरी विश्वविजयी सेना चंद्रगुप्त से हार गई। अपना गुप्तचर भेजा, गुप्तचर आकर के पूछते हैं, देखते हैं कि एक कुटिया है जंगल में और दरवाजे पर चंद्रगुप्त हैं, पहरा दे रहे हैं, संदेशा भिजवाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। चाणक्य ने कहा कि बुलाओ। बुलाया जाता है। चाणक्य ने पूछा कि बोलिए आप किस कार्य से आए हैं, राज्य के कार्य से या व्यक्तिगत कार्य से? उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत कार्य से आए हैं। तो वहाँ घी का एक दीपक जल रहा था, चाणक्य ने बुझा दिया और दूसरा दीपक जला दिया। चाणक्य ने ऐसे जब किया तो गुप्तचरों ने पूछा कि बताइए ये दीपक तो पहले जल ही रहा था, उसको बुझाकर दूसरा दीपक आपने क्यों जलाया? चाणक्य ने कहा कि जो दीपक जला रहा था मैं, उसका खर्च राज्य से आता है और आप मेरे से व्यक्तिगत कार्य से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए व्यक्तिगत कार्य के लिए मैं राज्य का घी का दीपक का खर्चा नहीं उठा सकता, नहीं वहन करूँगा, इसलिए मैंने बुझा दिया है और ये दीपक का घी का खर्चा मेरी, मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ उसे जो मुझे दक्षिणा मिलती है उससे चलता है। गुप्तचरों ने कहा कि आचार्य हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया, और जाकर सेल्यूस को बताया। सेल्यूस को उसको समझ आ गया, जिस राजा का प्रधानमंत्री, जिस राजा का गुरु घी के 2 पैसे का दीपक भी राज्य के खर्चे से नहीं चला सकता, उस राजा को संसार में हराने वाला कोई भी नहीं है। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्येन उत्पत्ता भूमि, पृथ्वी किससे टिकी हुई है? सारी सृष्टि किससे टिकी हुई है? सत्य पर टिकी हुई है। यदि आप सत्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो आपकी संस्था, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र कभी भी अवनति को प्राप्त नहीं होगा। सृष्टि को कौन धारण कर रहा है? सत्य परमात्मा। इसलिए आंख मूंद कर मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। अधर्म का आचरण करने से यदि अरबों की धरती मिल जाए, सारी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए, तो उसको ठुकरा देना चाहिए। और सत्य का पालन करने से यदि वन में भी रहना पड़े, झोपड़ी में रहना पड़े, सब कुछ लूट जाए, तो भी कभी अधर्म से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सत्य का साथ देंगे तो परमात्मा आपके साथ रहेगा। सत्य में जयते न नितम सत्य ने पंथा विद तो देवयाना। सत्य से ही मोक्ष मार्ग का विस्तार होता है। देखिए ज्ञानपीठ ने अपने कार्यकाल में बहुत पैसे की परेशानियां भी देखी है, लेकिन ज्ञानपीठ ने कभी समझौता नहीं किया। अभी डॉक्टर प्रवीण जी अमेरिका गए थे, मैंने फ़ोन करके राकेश भाई को कह दिया कि जिन सुंदर साथ का मोटल चलता है उसमें गोमांस परोसा जाता है, यदि उन्होंने पैसा दे भी दिया है तो पैसा उनसे पूछ कर वापस कर दीजिए, गोमांस की आमदनी से मिला हुआ पैसा ज्ञानपीठ में नहीं लगना चाहिए, चाहे ज्ञानपीठ के सभी सदस्य भूखों रहे।
यदि नंबर दो का कार्य करना होता तो आज ज्ञानपीठ एक विश्वविद्यालय के रूप में हो गया होता, लेकिन वो चलता नहीं, नष्ट हो जाता। जहाँ धर्म रहेगा, सत्य रहेगा, वहाँ परमात्मा का वरद हस्त रहेगा। इसलिए याद रखिए, संसार की चाकाचौंध में नहीं कभी फंसना चाहिए, अधर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और यदि हम एक दूसरे को सम्मान देना सीख जाएंगे, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, सत्य पर अवलंबित रहेंगे, तो निश्चित है ज्ञान का प्रचार करने का दृढ़ संकल्प हमारी आत्मा को परमधाम की राह दिखाएगा। और वैसा ही समय आ सकता है, लेकिन ये तो परीक्षा है। कोई वैसा त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई अपनी मैं खुद ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कोई 36 साल बनने के लिए तैयार नहीं होता, तो राज्य वैसी कैसे शोभा दें। इससे तो देखिए, 400 मंदिर हैं, सोने के कलश भी चढ़े हैं, सोने चांदी के सिंहासन भी हैं, खूब पैसा है ट्रस्टों के पास, लेकिन कोई विद्वान पैदा नहीं होता, कोई महान परमहंस नहीं पैदा होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो त्याग नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, विवेक नहीं है। जहाँ ज्ञान का सूरज चमकेगा, जहाँ प्रेम की शीतल हवा बहेगी, वही ही उन्नति है। और जहाँ ये दोनों नहीं रहेंगे, आप सोने की ईंटों से बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ सुनापन ही रहेगा, वहाँ सन्नाटा छाया रहेगा, क्योंकि वो सोने की ईंटों का मंदिर या आश्रम कभी समाज को आकर्षित नहीं करेगा। आकर्षित करेगी परमधाम की वाणी। इससे वाणी का चिंतन हो, हमारा आचरण पवित्र हो, हम सबका कल्याण सोचें, सबके हृदय में चाहे एक छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उसकी अवस्था को ना देखें। कल को वो बच्चा बड़ा होगा, युवा बनेगा, वृद्ध बनेगा। शिष्य के अंदर ही गुरु छिपा होता है, बच्चे के अंदर ही वृद्ध छिपा रहता है, बीज के अंदर बट वृक्ष छिपा रहता है। हम इस बात को याद रखें, सृष्टि में परिवर्तनशीलता है। इसलिए हर स्थिति में धर्म को साक्षी मानकर हम व्यवहार करें। हर पल हमारे कार्य को राज्य देख रहे हैं, या नहीं समझना चाहिए कि कौन देख रहा है, यहाँ तो हम अकेले हैं, ऐसा नहीं। लोहे के साथ दीवारों के भीतर भी कुछ होता है, राज्य को सब पता रहता है। हम सोचें कि राज्य हमारे दिल में है, हम पवित्र हृदय से सब कुछ करें, राज्य को सौंप करके करें, फिर देखिए वैसा समय भी आ सकता है। राज्य करें, ज्ञानपीठ में भी आ जाए, लेकिन ज्ञानपीठ अभी बहुत पीछे है, जितना मैंने सोचा था उससे अभी बहुत पीछे है। और इसके लिए तो त्याग करना पड़ेगा, माताओं को त्याग करना पड़ेगा, कि जैसे हर माता के दो बच्चे हों। अभी तो आजकल आधुनिकता का दौर है, हिंदुओं की जनसंख्या ऐसे ही घट रही है, फैशन क्या बन गया है, एक संतान होती है। परिणाम क्या होगा? कुछ सालों में हिंदू की जनसंख्या 50% घट जाएगी। कम से कम इतना तो कीजिए राज्य के लिए माताएं बहनों से। चूंकि यूट्यूब है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि पूरे विश्व में मेरी आवाज़ पहुँच जाए। वाणी के लिए, प्रचार के लिए माताएं दो संतान तो पैदा करें, तपस्या करके, राज्य से प्रार्थना करके कि राज्य मुझे ऐसी संतान दो जो मेरा बच्चा विद्वान बनकर वाणी की ज्योति को फैलाए। और ममता त्याग कर एक बच्चा अपने घर चलाने के लिए रखें, एक बच्चा ज्ञानपीठ को दें, तो वो विद्वान बनेगा। आप देखिए डॉक्टर प्रवीण जी कितना महान कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण और अशोक की जोड़ी ने बहुत कुछ किया है। ये ठीक है कि जो पर्दे के पीछे काम करता है वो दिखने में नहीं आता। यदि ऐसे ही 50 युवक निकल आए समर्पित, तो देश में क्या हो जाएगा? आज ज्ञानपीठ के पास 110 ग्रंथों का संग्रह है, जो देश की बहुत कम संस्थाओं के पास होगा। इतने कम समय में, पैसे के अभाव के होते हुए भी, इतने ग्रंथों की रचना होना किसी भी संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका प्रभाव आज के 10 साल के बाद यदि दुनिया रहती है तो देखने को मिलेगा कि साहित्य की कीमत क्या है। यदि हमारे पास डॉक्टर प्रवीण और अशोक जैसी प्रतिभा के कुछ हो जाए, तो जागने का ऐसा दौर शुरू होगा जिसमें सबको ऐसा लग सकता है राज्य चाहे कि शायद हम उस युग में लौट चुके हैं जब श्री जी बंगला जी दरबार में बैठे होते थे, चर्चा होती थी, सब चितवनी में डूबे थे, किसी को संसार की चाहत की इच्छा नहीं थी। लेकिन पहला त्याग माताओं को करना पड़ेगा। ये मोह माया की ममता बनकर कुछ बहनें ही बच्चों को भगा ले जाती हैं, बुला ले जाती हैं, तुम जल्दी से आ जाओ, उनको केवल बहू देखती है, पैसा दिखता है, कोई त्याग करने को तैयार नहीं। ट्रस्ट के लोगों को भी अपना त्याग करना पड़ेगा। उन्हें सोचना होगा कि वो राज्य ने उनको सेवा पर लगा रखा है, उन्हें अपने धन का अहम भूलना पड़ेगा। विद्वानों को भी सुधरना पड़ेगा, विद्वानों को भी सोचना पड़ेगा कि उनके पास जो ज्ञान है वो बांटने के लिए है, उन्हें भी अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। यदि सभी मिलकर के करें
तो राजी तो हाथ फैलाए बैठे हैं, हम एक कदम जागने में चलेंगे, राजी हजार कदम चलने के लिए तैयार है। और कहते हैं कि जो बंगला जी में मैंने लीला करके दिखाई थी, मैं वैसे लीला हर जगह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए सुंदर साथ को अपना त्याग करना पड़ेगा। यदि सुंदर साथ ऐसा कर देगा तो वह दौर आ सकता है जागने के अंतिम चरण में कि यहीं बैठे बैठे सबको परम धाम की अनुभूति होने लगे। अभी जो भी तक हुई ज्योत्सना बहन ने लखनऊ में बहुत चर्चा की, और सच पूछा जाए तो ज्योत्सना बहन और कैलाश बहन की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाश बहन ने पिछले 4 वर्षों से गुरुकुल का सारी सेवा का खर्च, आधा खर्च उनके पति देते हैं और आधा खर्च इधर उधर से आता है। हितेश बहन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ज्योत्सना बहन जो एक संपन्न परिवार से होते हुए भी छोटा बन जाती हैं, जब इस पर बीतक करके गए तो लखनऊ की अधिकतर सुंदर साथ रो पड़े, ओमकार जी फुट फुट कर बच्चों की तरह रो पड़े। क्यों? कि उन्होंने सबको प्रेम दिया है, ज्ञान पीठ की सारी सेवाओं की चिंता उनको रहती है, जबकि वो ट्रस्टी नहीं है। सेवा कब होती है? जब हृदय में भाव होता है। सेवा के लिए ट्रस्टी बनना आवश्यक नहीं है, सेवा के लिए हृदय में भाव होना जरूरी है। ज्योत्सना बहन ट्रस्टी न होते हुए भी अपना सब कुछ तन मन धन राज्य के लिए समर्पित की, वो सबके लिए प्रेरणामयी है। किरण बहन ने भी जयपुर में अच्छी वित्तक की, और हमारे जो भी प्रचारक शशांक जी बाहर गए थे, अशोक जी की विश्लेषणात्मक चर्चा पूरे देश में सुनी जा रही है, कई कई हजार भी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और चिराग अर्जुन वगैरह जो भी विद्यार्थी जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं भी तक किए हैं, लेकिन जो भी काम हो रहा है मेरी दृष्टि में ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हो रहा है, मुझे इससे कोई संतुष्टि नहीं है। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में वाणी की गूंज उठे, पूरी दुनिया में जगह जगह सब लोग ध्यान में बैठे करते हुए दिखाई दे, अक्षरातीत की महिमा का गायन हो। लेकिन उसके लिए त्याग चाहिए, पहला त्याग बहनों को करके दिखाना होगा। यदि हमारे पूरे देश में त्याग की भावना आ जाए तो देखिए 1000 सुंदर साथ यदि हर महीने 1000 निकाल दे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हजारों सुंदर साथ की नौकरियां करने वाले हैं, न जाने कितने हजार सुंदर साथ होंगे जिनकी पर महीने की आमदनी 1 लाख रुपये होगी। शादी विवाह में पानी की तरह पैसे सब लुटाते हैं, लेकिन राज्य के नाम पर कोई 1000 निकालने के लिए तैयार नहीं है। 1000 सुंदर साथ हर महीने केवल 1-1000 निकालेंगे तो जानते हैं कितना होगा? 1,20,00,000 होगा। और 1,20,00,000 में ज्ञानपीठ भी आसानी से चलेगा और गुरुकुल भी आसानी से चलेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यदि 500 सुंदर साथ 1-1000 निकालते हैं या 1000 सुंदर साथ 500 निकालते हैं तो भी हर साल 60,00,000 रुपये इकट्ठे होते हैं, लेकिन समाज में संगठन नहीं है, जागरूकता नहीं है। इसलिए यदि सब में जागरूकता हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, जागने का प्रवाह तेज हो जाएगा। इसलिए तन से मन से धन से यदि राज्य के प्रति हम समर्पित होते हैं, आपकी महानता क्या है? वृक्ष पर देखिए, जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुका रहता है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास धन है, आप ट्रस्ट में बहुत बड़े पद वाले हैं, तो आपकी महानता है आपकी विनम्रता। जितने आप विनम्र बनेंगे आप उतने ही महान होंगे, राज्य की उस पर उतनी ही मेहर बरसेगी। आप दूसरों को खुशियां बांटिए, आपके पीछे पीछे खुशियां पीछा करेगी। आप दूसरों से प्रेम कीजिए, प्रेम आपके पीछे पीछे भागता फिरेगा। आप ज्ञान बांटिए, जितना बांटेंगे ज्ञान आपको उतना ही मिलेगा। राज्य की सेवा में जितना धन की आप सेवा करेंगे, मैं खुद ही को उठाकर, आप धन की सेवा करने के बाद ये आशा मत कीजिए कि मेरा नाम क्यों नहीं लिखा गया। आपने नाम लिखवा लिया तो सेवा का महत्व तो आपने समाप्त कर दिया, वो तो अहंकार का पर्दा हो गया कि मैंने इतने लाख की सेवा की है। सबको मिटा दीजिए। आज मैं मानिक भाई का नाम लेना नहीं भूलूंगा। मानिक भाई संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं खुलकर कह देता हूँ कि मानिक भाई जी इतनी सेवा की जरूरत है, और किसी से मैं नहीं कहता। हाँ, अब मैं ज्योत्सना बहन से कहने लगा हूँ, इन दो के सिवा संसार में मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये कभी मांगा है तो उधार मांगा है, ये नहीं कहा है कि सेवा दे दो। लेकिन मैं जानता हूँ कि मानिक भाई को कह दूँ कि मानिक भाई 10 करोड़ चाहिए तो मानिक भाई भीख मांग कर भी लाएंगे, लेकिन मेरी वचन को मिथ्या नहीं होने देंगे। मानिक भाई की उम्र 79 वर्ष की हो चुकी है। मैं पन्ना में था, मिलने के लिए आए, खुशी से पागल हो गए। और जानते हैं
गुरुकुल का सारा निर्माण कर रहे हैं। पैसे की कमी है, फिर भी क्या कहते हैं कि स्वामी जी आप केवल साधना कीजिए, पैसे की कोई चिंता आपको नहीं करनी है, सारे पैसे की व्यवस्था मैं अकेले कर लूँगा। दूसरों से कहते हैं कि सेवा लाओ, मेरे से कहते हैं कि आपको कोई चिंता नहीं करनी है, मैं आपको चिंतित सहने ही नहीं कर सकता, पैसे की व्यवस्था मैंने कर ली है। ऐसा महान व्यक्ति पूरे समाज में नहीं होगा। जब वो रात के 2 बजे उठ करके भी ध्यान करते हैं, यदि गृहस्थों में कोई परमहंस है तो मानिक भाई सबके लिए आदर्श है। कमर में दर्द है, चलने की शक्ति नहीं, फिर भी जाकर जहाँ गुरुकुल बन रहा है दौड़ लगाते हैं, एक एक काम देखते हैं और ऐसा गुरुकुल बना रहे हैं 4 मंजिली बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा। मानिक भाई जैसा रथ हमारे समाज में है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है और सारे ट्रस्ट को मानिक भाई की विनम्रता से प्रेरणा लेनी चाहिए, सेवा भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए, समर्पण की भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व होंगे तो निश्चित है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाएं, प्रेम की धारा बहाएं, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और सर्वत्र वाणी की गूंज सुनाएं।